News 18, India. और इलेक्शन धमाका की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। अब से कुछ ही देर बाद, यानी थोड़ी देर बाद, यूपी में योगी कैबिनेट में नए चार मंत्रियों की एंट्री होगी। ये बड़ी एंट्री है, समझ लीजिए। योगी मंत्रिमंडल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से, ओपी राजभर बीजेपी से, दारा सिंह चौहान, साथ ही सुनील शर्मा को मंत्री बनाया जाएगा। ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। इसके साथ ही आरएलडी के कोटे से विधायक अनिल कुमार को भी मंत्री बनाया जाएगा और इन सभी विधायकों को फोन भी जा चुका है। खबर दरअसल ये है कि ओपी राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है और आरएलडी कोटे से एक स्वतंत्र प्रभारी भी बनाए जा सकते हैं। तो आप देखिए, ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि मंत्री पद के लिए जिनके नाम शामिल हैं वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर, बीजेपी के दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा हैं। समझिए आप इस पूरे सिनेरियो को। इनके साथ राष्ट्रीय लोक दल के 3 बार के विधायक अनिल कुमार का भी नाम इसमें शामिल है। ये बड़े नाम हो जाते हैं और खासतौर से ऐसे वक्त में जब अब लोकसभा चुनाव है। ये बड़ा बदलाव, या फिर यूं कहिए कि बड़ा विस्तार से कहा जा सकता है। और मंत्री पद के लिए जिनके नाम शामिल है वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर, बीजेपी के दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा है। ये नाम इसलिए देखिए आपको इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि ये मंत्री बनाए जाएंगे। अभी बड़ी तस्वीर यूपी के सियासत से यहां पर सामने आ रही है। ये चार नाम आप यहां पर देख लीजिए, ओपी राजभर यानी एसबीएसपी, दारा सिंह चौहान बीजेपी, सुनील शर्मा बीजेपी, अनिल कुमार आरएलडी। ये वो चार नाम हैं जो कि अब यूपी की सियासत में मंत्री बतौर यहां पर नजर आएंगे क्योंकि ये भी अब योगी आदित्यनाथ के साथ में बड़ी भूमिका यहां पर निभाने जा रहे हैं। ऐसे में क्या सियासी तौर पर एक नई तस्वीर बनेगी, क्या सियासी तौर पर एक नई रणनीति आएगी, उस पर जरूर योगी मंत्रिमंडल के ये संभावित मंत्री दिखाई देते हैं। और उधर आरएलडी विधायक अनिल कुमार लखनऊ पहुंच गए हैं। खबर यह है कि उन्हें आज मंत्री पद की जिम्मेदारी यहां पर मिलेगी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर को कैबिनेट मंत्री यहां पर बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी कोई डिमांड यहां पर नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है ये सियासत है। सियासत में जब एक पार्टी से कोई दूसरी पार्टी में आता है या दो लोग आपस में मिलते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ मिलते हैं ताकि उस सरकार में उनकी भूमिका यहां पर निश्चित हो सके। और आपको ये नाम, चार विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, डिटेल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये योगी सरकार की सियासत का हिस्सा है। मेरे पास कॉल मेरे नेता का आया था जब मैं क्षेत्र में था कि अनिल कहाँ हो। मैंने कहा सर क्षेत्र में हूँ। ठीक है, यहाँ से निकलिए आप और लखनऊ की तरफ चलिए, वहाँ आपको जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो मेरे लिए बड़ा खुशी का पल था, भावुक का पल था। मैंने अपने शब्दों में अपने नेता का आभार व्यक्त कर दूँ और आभार व्यक्त आज भी आपके माध्यम से भी करना चाहता हूँ। बड़ी जिम्मेदारी की बात उन्होंने कही है। देखिए, इलेक्शन धमाका में योगी कैबिनेट में शामिल होने वाले दो चेहरे बेहद अहम हैं, बेहद खास हैं। नाम सुनिए और साथ ही डिटेल भी जानिए। दरअसल पहला नाम ओपी राजभर का है जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से आते हैं, दूसरा आरएलडी के अनिल कुमार जो पश्चिम यूपी से यहां पर सामने आते हैं। दरअसल दोनों जगहों का जो चुनावी समीकरण क्या है वो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है इलेक्शन धमाका के जरिए ये भी सुनिए आप। अभी तक हमको ऑथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री या ऑफिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है, परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिसको जो लोग विस्तार में शामिल होंगे, जो भी विभाग जिसको देंगे, और ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि ये एक माध्यम है और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, तो उसको कोई भी काम, हमारे लिए कोई काम ना तो छोटा है ना बड़ा है। हमारा जो लक्ष्य होता है कि सत्ता के माध्यम से वंचित शोषितों को जागृत करना, उनको अधिकार के प्रति जागरूक करना और अधिकार दिलाना और उनके साथ मिलजुल करके रहना। और योगी कैबिनेट में शामिल होने वाले दो चेहरे बेहद खास है। पहला ओपी राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से यहां पर आते हैं और दूसरा आरएलडी के अनिल कुमार जो पश्चिम यूपी से आते हैं। और इन दोनों जगहों का चुनावी समीकरण आपको समझना बेहद जरूरी है। मेरी सहयोगी लवीना के पास चलते हैं। लवीना, ओवर टू यू।
बिल्कुल सबीना, न्यूज 18 इंडिया ने 2024 लोकसभा चुनावी नतीजों तक पूरी तैयारी की है कि कैसे इस मैजिक वॉल के जरिए एक एक आंकड़ा आपके सामने हम पूरी जिम्मेदारी और विश्वसनीयता के साथ रखने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इस मैजिक वॉल में आपको ये भारत का मैप मैं दिखा रही हूँ। इसी में जो तमाम लोकसभा की सीटें हैं यही तय करने वाली हैं कि 2024 का चुनाव कौन जीतेगा। अब चूंकि बात हम ओपी राजभर की कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट था 2019 लोकसभा चुनाव का क्या कहता है वो बता देती हूँ। ये ओवरऑल नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं, 80 लोकसभा सीटों वाली ये उत्तर प्रदेश। इसके अलावा ओपी राजभर क्यों जरूरी है ये भी जरा आप समझ लीजिए। सियासी नफा नुकसान देखकर ये तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि कैसे एनडीए में उन्हें शामिल कर दिया जाए। एनडीए की जो स्थिति आप देखेंगे, 2019 के लोकसभा चुनाव में 64 सीटें यहां पर एनडीए को हाथ लगी थी। 2022 का हालांकि जो विधानसभा का चुनाव था वो ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था। अब इस 26 में से जो पूर्वांचल की 26 सीटें 80 में से आती हैं, उनमें से 16 पर सीधा अगर असर किसी का पड़ता है तो वो ओबीसी फैक्टर यहां पर काम करता है। और इसी ओबीसी फैक्टर को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ी प्लानिंग कर ली है। ये जो चुनावी नतीजे मैं आपको 2019 के दिखा रही हूं ये भी समझ लीजिए, एनडीए को ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहां पर 64 सीटें मिली थी। इसके अलावा बीजेपी की इसमें से 62 सीटें थी। अपना दल सोनेवाल को 2 सीट हासिल यहां से हो चुकी थी। अब ओपी राजभर के अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, दूसरा नाम जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है वो आरएलडी के अनिल कुमार का है। अब आरएलडी की स्थिति खास तौर पर उत्तर प्रदेश में क्या है ये भी जरा आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला ये उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि जिसके जाट उसी के ठाट, यानी कि जाट ये तय करते हैं कि यहां का जो चुनावी नतीजा होगा किसके पक्ष में जाएगा। अब जरा आप उत्तर प्रदेश की स्थिति भी देख लीजिए, और मैं आपको ये भी जरा दिखा देती हूँ कि आरएलडी का जो असर है वो इस उत्तर प्रदेश में कैसा दिखाई देता है। ये देखिए 80 लोकसभा सीटों वाली ये उत्तर प्रदेश है, और यहां पर आप देखेंगे तो ये जो आरएलडी का असर है खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में दिखाई देता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 27 सीटें आती हैं इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और इसको साधने के लिए हालांकि अगर आप 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखेंगे तो आरएलडी की स्थिति यहां पर बिल्कुल अच्छी नहीं दिखाई दी थी। लेकिन चूंकि अब वहां पर हमारी सहयोगी लवीना से आपने उत्तर प्रदेश के दो रीजन का ये पूरा डिटेल यहां पर जाना। अब सीधा रुख लखनऊ की तरफ करेंगे जहां शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी पर हो गई है। अमित सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, योगी सरकार 2.0, ये पूरा मंत्रिमंडल किस तरह से पहला विस्तार यहां पर नजर आता है, क्या कुछ इलेक्शन धमाका के जरिए धमाकेदार इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के बाहर, और राजभवन में अंदर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, मंच पूरी तरीके से तैयार है, और 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा नाम जो है अनिल कुमार का है, आरएलडी के नेता हैं, 3 बार के विधायक हैं, 2 बार विधायक वो बीएसपी से रहे हैं, 3री बार वो आरएलडी से हैं। लेकिन जाट वोट बैंक के अलावा भी एनडीए जो है इस बार फोकस दलित वोट बैंक पर कर रही है, और अनिल कुमार जो है वो दलित नेता है, और यही वजह है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, ये नए चेहरे होंगे। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के कई सीटों पर ओम प्रकाश राजभर जो है अपना अलग ही महत्व रखते हैं, और इसलिए उनका जो वोट परसेंटेज है अपना उनका वोट परसेंटेज है, और उसको इस बार एनडीए में के पाले में करने के लिए कहीं से भी इधर उधर ना छिटके इसके लिए उन्हें कैबिनेट मंत्री का यहां पर दर्जा दिया जा रहा है, और 5 बजे के बाद वो एक चेहरा बन जाएंगे योगी सरकार के। इसके बाद 2 और नाम, दारा सिंह चौहान जो है वो ओबीसी के नेता है, मऊ से आते हैं, पूर्वांचल से ही आते हैं, लेकिन ओबीसी वोट बैंक जो है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं योगी सरकार भी चाहती है कि जो दारा सिंह चौहान जो नूनिया वोट बैंक है वो उनके पाले में आए। ये 4 नाम दारा सिंह चौहान को जल्दी ये भी जानना चाहेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार की जो तस्वीर सामने आएगी, साधना चाहते हैं वोट, सद जाएंगे क्या जाति के आधार पर वोट, वो तस्वीर नजर आती है ग्राउंड जीरो पर, जमीनी स्तर पर? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी समीकरण है ये 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने की है के लिए ही ये समीकरण है, और इसलिए कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या पार्टी प्रेसिडेंट हो वो हमेशा ये कह चुके हैं कि इस बार 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतनी है, और इसीलिए सभी वर्गों के चेहरे को ध्यान में रखकर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, और जिनको मंत्रिमंडल में आप शामिल नहीं कर पा रहे हैं उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि हर इलाके के जो लोग हैं वो खुश रहें कि उनका नेता प्रभावशाली है, उनका नेता उनका जाकर
काम करा सकता है, तो इस वजह से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल, और इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से बड़े चेहरों को यूपी के जो संगठन है उसमें उनको जगह दी गई थी। तो जाहिर तौर पर 80 के 80 सीट के ये मूल मंत्र के तौर पर सभी वर्गों का जो दायित्व है, जो रिप्रेजेंटेशन है उन्हें दिया जा रहा है मंत्रिमंडल में। धमाकेदार सियासी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी डिटेल आपसे लेंगे।